हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्किल बस दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दुनिया के पांच लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में जो कि हम लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन के पैरामीटर पे डिस्टिंग करेंगे तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला पांचवी नंबर का जो दुनिया का लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है दोस्तों वो जापान स्टॉक एक्सचेंज है जिसको जेपीएक्स बोला जाता है ठीक है इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों ये अमेरिकन डॉलर्स में सिक्स ट्रिलियन का है इसमें बेसिकली 3,500 कंपनीज लिस्टेड फाइव है और ये 2013 में दो companies merge करके बनाई थी ठीक है और तब से आज तक मतलब तो आप समझ सकते हैं कि जापान का मेहनत कितना ज्यादा रहता है उनके किसी भी काम में यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जापानीज़ जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं लाइक टोयोटा सुजुकी होंडा ये सारे के सारे कंपनीज इस चीज में बिकॉज

ज द फिफ्थ लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन दर्ल्ड ओके नेक्स्ट इज हॉन्गकॉन्ग स्टॉक एक्सचेंज विच इज ऑल्सो नोन एज एस के हॉन्गका में प्रेजेंट है इसका जो टोटल मार्केट कैपिटाइजेशन है दोस्तों वो 6.48 पॉइंट फोर एट ट्रिलियन यूएस डॉलर है ठीक है इसमें क्लोज टू 2538 थाउजेंड फाइव थर्टी लिस्टेड है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जैसे कि चाइना मोबाइल एच एस बी सी होल्डिंग्स बहुत सारे बैंक्स जो कमर्शियल है वो सारे के सारे इस चीज में एनलिस्टेड है का बनाया हुआ है मतलब दिस इज वन ऑफ ओल्डेस्ट स्टॉक इन ठीक है उसके बाद आता है हमारा इसको चाइना इसका जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों दैट इज इक्वल टू 6.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स इसमें टोटल नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनीज क्लोज टू 2000 है 1866 में ये पहली बार फाउंड किया गया था उसके बाद चाइनीज रेवोल्यूशन के टाइम पे इसको बंद किया गया था एंड 1990 में इसको वापस एक मॉडर्न अवतार लेके ये स्टार्ट किया गया था एंड फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स इट हैज बीन स्टार्टेड एज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड अभी दुनिया के टॉप थ्री में है तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा है इसका जो टोटल इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है कि इसका जो मैक्सिमम कंपनीज है दोज आर इंश्योरेंस कंपनीज एंड कमर्शियल बैंक्स जो इस शांघाई स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रीब्यूट करते हैं ठीक है तो उसके बाद हम लोग समझते हैं कि सेकंड में कौन है सेकंड में नेसडेक है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में प्रेजेंट है इसका जो फुल फॉर्म है दोस्तों ये है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटी डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशन ठीक है ये जो नेक है दोस्तों NASDAQ में जो मैक्सिमम कंपनीज एनलिस्टेड है टेक्नोलॉजिकल कंपनीज बिकॉज ऑफ विच उसका जो टोटल यूएस मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 19.34 ट्रिलियन डॉलर्स है ठीक है 3000 के ऊपर कंपनीज लिस्टेड है और दुनिया के जो सबसे बड़े बड़े टेक जॉइंस है जैसे कि एमेजॉन फेसबुक गूगल टेस्ला एपल माइक्रोसॉफ्ट इंटेल ये सारे के सारे कंपनीज इसी स्टॉक एक्सचेंज में नाइनटीन है एंड में फाउंड किया गया था एंड दिस इज जस्ट गोइंग अलोंग टू गेट इन द फर्स्ट रैंक नाइनटीन ट्रिलियन डॉलर का अभी इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है फर्स्ट रैंक पे है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एनवाई में प्रेजेंट है दोस्तों इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो क्लोज टू ट्रिलियन है और इसका जो टोटल नंबर ऑफ थाउजेंड एंड फोर हंड्रेड कंपनीज का है ठीक है सेवनटीन नाइनटी टू में ये फाउंड किया गया था तो अमेरिकन सबकॉन्टिनेंट का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है ये ठीक है इसमें बहुत बड़े बड़े जो पुराने कंपनीज है और सबसे स्टेबल कंपनीज है वो सारे इसी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे एनलिस्टेड है जैसे कि बर्कशा हैथवे जो कि वॉरेन बफेट का कंपनी है मैकडोनल्ड कोका कोला ये सारे कंपनीज इसी जगह में इन्वेस्ट एनलिस्टेड uh, है दोस्तों इसके पहले जैसे मैंने NASDAQ का बताया था क्योंकि नैसडेक में सबसे ज्यादा सारे के सारे बड़े टेक टेक जॉइंट जो है वो एनलिस्टेड है इसलिए ही टफ कॉम्पिटिशन में है एंड होपफुली इन द अपकमिंग थ्री टू फोर ईयर्स ऑफ टाइम वो नंबर वन में आ सकता है ठीक है अब बात करते हैं कि हमारे कंट्री में जो है बीएससी और एनएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये दोनों का पोजिशन पे है दोस्तों इन दोनों का पोजिशन नाइन्थ और टेंथ है वर्ल्ड में ठीक है बी एस इज इन द नाइन्थ पोजिशन करंटली एंड एन एस सी इज क्लोज टू बी एस सी उसका भी टेंथ पोजिशन के आसपास है इन टर्म्स ऑफ हैपनिंग पर डे एनएससी इज द थर्ड लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड एंड द फर्स्ट इन इंडिया ऑब्वियसली तो बी एस सी और एन एस सी ये जो है इसमें से बीएससी सबसे ओल्डेस्ट है पूरे एशियन कॉन्टिनेंट पे और बीएससी का जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो दोस्तों ट्रिलियन के आसपास है इनफैक्ट एनएससी का भी क्लोज टू टू ट्रिलियंस का है तो इन दोनों में कंपेरिजन ज्यादा नहीं है ठीक तो है तो एनएससी और बीएससी एकदम सेम कॉम्पिटिशन है सेम लाइन पे बट इन टर्म्स ऑफ ट्रांजेक्शन एनएससी दुनिया के टॉप थर्ड में लाइक करता है पर डे ट्रांजेक्शन के हिसाब से ठीक है दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया गिव इट अ लाइक एंड शेयर इट अमोंग योर फ्रेंड्स दोस्तों थैंक यू एवरी वन स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ